हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 12 अक्टूबर 2020 की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में जो मैथ्स के 25-25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2019 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ताकि आपकी CGL 2021, CPO 2021, CHSL 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न में आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ, सॉल्यूशन देता हूँ प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहती है। और इससे पहले कि आज की क्लास शुरू हो, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका, कि आज हमें चैनल पे वीडियो डालते हुए पूरा एक साल हो गया। मतलब आज हमारे चैनल को पूरा एक साल हो चुका है, तो फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है आज बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की। तो मेरे पास सिर्फ थैंक्स और कॉन्ग्रेचुलेशंस के अलावा कुछ देने को भी है नहीं आप लोगों को, तो इसलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आपने इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया आप लोगों ने। और बीच में मैं 4-5 मंथ के गैप में, जब मुझे टाइपिंग टेस्ट और मेरे ब्रदर का मैरिज था, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा दूर रहना पड़ा, मैं उन 4-5 महीने के गैप में वीडियो नहीं डाल सका, नहीं तो आज थोड़ी और वीडियोस डली होती चैनल पे। तो अभी भी नहीं ज़्यादा 115 वीडियोस मैं चैनल पे आपको दे चुका हूँ। ये 115th वीडियो है आपके लिए जो मैं लेकर आ रहा हूँ, आपको डेडिकेटेड है आज की वीडियो सारी, ठीक है। और इससे पहले मैं CHSL 2019 की 5 वीडियोस डाल चुका हूँ, ये 6th वीडियो है, 5 वीडियो अभी आपको आई बटन पे दिख भी जाएंगी। और इससे पहले मैं आपको CGL 2020 के क्वेश्चंस करा चुका हूँ, 2019 के भी करा चुका हूँ, CPO 2020, CPO 2019 के क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ। अभी CHSL 2019 के क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे ही ये ख़त्म हो जाएंगे हम लोग CHSL 2020 के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहें, जो नया बच्चा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो नया स्टूडेंट नया एस्पिरेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ आपसे कभी मिस ना हो। और चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और ये सारे जो आपको सेट्स कराए गए हैं, इनको आप लोग देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक इनकी गिवन है, और कंटेंट एक बार आप लोग ज़रूर देखें चैनल का। ये हमारे कुछ लिंक हैं, आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लें, सब जगह आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का पीडीएफ डाल देता हूँ। जो भी नोटिफिकेशन हमें मिलता है किसी भी कमीशन की तरफ से, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ हमें मिलती है, वो सारी टेलीग्राम और फेसबुक पे अपलोड कर दी जाती है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। और यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले, ताकि जो मैथमेटिक्स कोर्स मैं आपको कराऊंगा और प्रैक्टिस सेशन जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं, वो आपको अवेलेबल हो जाए। कोई इंक्वायरी हो तो मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है आपके, बहुत व्हाट्सएप पे मैसेज आते भी है, आगे भी करते रहे, अच्छा लगता है देख के, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि 77 की पावर 77 को अगर मैं 77 में जोड़ के 78 से डिवाइड कर दूं, तो रिमाइंडर पूछा कि रिमाइंडर कितना आएगा। आपने क्या किया, आपने दोनों को सेपरेट करके लिख लिया कि 77 की पावर 77 बाय 78, और यहाँ पे 77 बाय 78। तो आपने देखा कि अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ, तो आपको पता है कि अगर मैं 77 को डिवाइड करूँगा 78 से, तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, आपको पता है रिमाइंडर आ जाएगा 77, कोशंट आ जाएगा 0। तो आपने देखा यहाँ से रिमाइंडर तो मेरा 77 आ गया। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, आपने इसको सॉल्व किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 77 को आप लोग 78-1 लिख सकते हो। आपने देखा, हाँ मैं लिख सकता हूँ, फिर दोबारा 78 से डिवाइड कर दो। आपको एक चीज़ पता है क्या, कि n-1 की पावर अगर x है, अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दूं, तो आपको पता है कि फाइनली जो रिमाइंडर रहता है तो -1 की पावर x रहता है, ठीक है। तो आपने देखा 78-1 की पावर 77 को अगर मैं 78 से डिवाइड कर रहा हूं, तो फाइनली इससे रिमाइंडर क्या आने वाला है, आपने देखा रिमाइंडर जो आएगा इससे वो क्या आएगा, -1 की पावर 77, और इससे रिमाइंडर क्या आ चुका है, 77। तो आपने देखा माइनस की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1 प्लस 77 कितना हो जाएगा, 76। ये आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं कल करा चुका हूँ, कल की वीडियो में मैं ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग खुद से करना है क्वेश्चन। आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका मेंशन करना, ताकि मैं क्रॉस वेरीफाई कर सकूं। वैसे मैं इसका आंसर आपको अभी बता देता हूं, 6.5 किलोमीटर पर आवर। जिसको भी डाउट आए वो मुझसे पूछ ले, और कल की वीडियो में क्वेश्चन हो चुका है, चाहे व्हाट्सएप पर पूछ लेना आप लोग। आपने देखा ये वाला क्वेश्चन, अब आपको पता है कि यार एक फॉर्मूला होता था क्या, x³ + y³ + z³
माइनस थ्री एक्स वाई जेड, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये देखो मैं बहुत बार ये फॉर्मूला करा चुका हूँ, हद से ज़्यादा बार करा चुका हूँ। अब आपने देखा यहाँ पे 75 आ गया, 3 इंटू 15, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 10, यहाँ पे वैल्यू कितनी, ठीक है। तो आपने देखा 75 में से 45 गया, 30 बटे 10 कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा इस पूरी टर्म का, ठीक है। 3 आंसर आ जाएगा, सॉरी 30 बाई 10 कितना हो जाएगा, 3। क्वेश्चन में बोला है अगर इतने में बेचे तो इतने का नुकसान होगा। अब बोला है कि कितने में बेचेंगे, 30% का नुकसान हो। आपने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, तो आपने देखा लॉस हो गया कितने का, 20% का। लॉस 20% का हो गया मतलब कॉस्ट प्राइस की 80% वैल्यू में बेचा, तो 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80। 80 का आपको वैल्यू दिया है कितना, 2500। तो एक की वैल्यू निकाल लो, 2500 बाई 80। आपको बोला है कि अब उसको नुकसान कमाना है कितने का, उसको नुकसान कमाना है 30%। तो 100 का 30% नुकसान, तो आपने देखा यार 70% वैल्यू में बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस के 70% वैल्यू, तो कॉस्ट प्राइस जो है 100 की 70% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से आ जाएगा आपका 17500/8, तो इसको सॉल्व करके आपका फाइनली आने वाला है 2187.5, ठीक है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आपने देखा 3 sec² x = 4 हो जाएगा, और sec x हो जाएगा √4/3, जिसको आप बोल सकते हो 2/√3। तो x की वैल्यू 30° पे ये पॉसिबल है, sec x की वैल्यू। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है एक्स वाई जेड जो है ट्राइंगल है, ओके। फिर आपको बोला है जेड एल जो है, ठीक है, और वाई एम जो है वो इंटरसेक्ट करता है जी पे, और ये दोनों है मीडियन, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल जी एल एम ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जी एल एम का रेशियो पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। आपको पता है पहली बात तो क्या मीडियन होता, क्या मीडियन जो होता है वो वर्टिसेस से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे अगर हम कोई लाइन बनाते हैं, मतलब वर्टिसेस से हमने सामने वाले मिड पॉइंट को अगर जोड़ दिया, मतलब वर्टिसेस के सामने वाली जो साइड है वो क्या है, आपने देखा वाई अगर वर्टिसेस है, सामने वाली साइड क्या है एक्स जेड, इसका जो मिड पॉइंट है एम, अगर मैं वाई को एम से जोड़ दूं तो मीडियन कहलाता है। ऐसे ही जेड जो है वर्टिसेस है सामने वाली पॉइंट लाइन का मिड पॉइंट जो है, आपने देखा एक्स वाई का मिड पॉइंट क्या है एल, अगर मैं एल को जेड से ज्वाइन कर दूं तो आप कहोगे कि ये मीडियन है, ठीक है। तो आपने देखा एल भी मिड पॉइंट हो गया, एम भी मिड पॉइंट हो गया। आपने एक चीज देखी क्या कि एल भी मिड पॉइंट हो गया, एम भी मिड पॉइंट हो गया। आप यहां पे एक बात बोल सकते हो क्या कि अगर एल भी मिड पॉइंट है, एम भी मिड पॉइंट है, तो एल एम जो है वो पैरेलल हो जाएगी वाई जेड के, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो कि हाँ सर एल एम जो है पैरेलल हो जाएगी। आपको पता है एल एम अगर पैरेलल हो गई वाई जेड के, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। आप कहोगे सर ये वाला एंगल इसके इक्वल कैसे हो गया, मैं बोलूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए दो पैरेलल साइड के बीच में, ठीक है। तो आपने देखा ट्राइंगल जी एल एम जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल किसके, जी जेड वाई के। फिर आपने एक चीज देखी क्या, आपको पता है यहां पर कि एल एम जो है, एल एम और वाई जेड का रेशियो कितना है 1:2। आपको ये चीज कैसे पता लगी, आपको पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर ट्राइंगल एक्स एल एम जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल एक्स वाई जेड के, ये कल हम चीज निकाल चुके हैं। तो आपको यहाँ पे पता लग गया कि एल एम और वाई जेड का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, एक्स एल और एक्स वाई के रेशो के इक्वल आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी 2XL, क्यों, क्योंकि एल जो है वो मिड पॉइंट है। तो आपने देखा एल एम और वाई जेड का रेशो आपके पास कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है। और अगर ये सिमिलर है तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस जो है वो साइड का स्क्वायर हो जाएगी। तो आपने देखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जी एल एम
और एरिया ऑफ ट्रायंगल जी जेड वाई का रेशो कितना आ गया, 1:4, मतलब ये एक है और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, क्या हम ये चीज बोलते हैं कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को मान लो आप एक्स वाई जेड, ठीक है, और जी जो है सेंट्रोइड, आपको पता है ये दोनों मीडियन है, मीडियन क्या क्या है, जेड एल और वाई एम, ये दोनों मीडियन आपस में एक दूसरे को जी पे काट रहे हैं, तो अगर ये जी पे काट रहे हैं एक दूसरे को आपस में, तो जी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका सेंट्रोइड हो जाएगा, तो आपको पता है ये सेंट्रोइड है, तो ये सेंट्रोइड है, तो मीडियन अगर सेंट्रोइड पे काटता है, तो आपको एक चीज और पता है कि अगर मैं मीडियन से तीनों वर्टिसेस जॉइन कर दूं ट्रायंगल के, तो आपको पता है इन तीनों का एरिया जो है वो इक्वल होता है। आपने देखा कि अगर ये इसका एरिया 4 है, अगर इसकी वैल्यू 4 है, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, आपने देखा एक की वैल्यू 4, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, 3 × 12 एक की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू कितना, 12। तो आपने देखा कि अगर एरिया ऑफ ZLM और एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ का अगर मैं रेशो बताऊं, तो आपने देखा ZLM का तो वहीं का वहीं रहेगा, और इसका 3 गुना हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 1:12 इज योर करेक्ट आंसर, आसान क्वेश्चन है। आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे दिया, पैरामीटर आपको पता है, पैरामीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो आपने देखा लेंथ 5x मान लो, ब्रेथ 2x मान लो, इसकी वैल्यू कितनी दे दी, 238, तो आपने देखा कि ये गया 119 पे, यहाँ पे आ गई 7x, 7x की वैल्यू कितनी, 119, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 17 हो गई, x की वैल्यू 17, तो आपसे लेंथ पूछी है, लेंथ मतलब 5x, 5x कितना, 5 × 17 जो होता है वो 85 होता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए एक चीज, क्या कि 10a + b का क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता है 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b और 1 − 10a 10b। फिर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, क्या कि 10a - b का क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि 10a - b का फॉर्मूला होता है कि 10a - 10b 1 + 10a 10b। तो ऊपर सेकेंड वाला फॉर्मूला ही लिखा है, आपने देखा ये 60, ये 15, तो ये भी 60 और ये भी 15 दिया है ऊपर, तो आपने देखा कि ऊपर वाली जो टर्म है वो कुछ नहीं दे रखा, वो 10a - b दिया हुआ है, तो आपने देखा 10a - b मतलब 60 - 15 कितना हो गया, 10 × 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्वेश्चन बोला है, मोहन जो है डिस्काउंट दे रहा 20% का, बट ही मार्क्स इज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ईच बाय 35%, मतलब मार्कअप परसेंटेज ये दे दिया, डिस्काउंट ये दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। आपको मैं कितनी बार बताऊं ये चीज, मुझे आप लिख के दे दें हाँ जी के सर आप मुझे ये इतनी बार बताओगे तब जाके मेरे समझ आएगा। तो 35 - 20 और ये हो जाएगा -7, ठीक है, तो 25, 35 में से 27 गए तो 8%, 8, 7, 15, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है एक फिगर है जिसमें L जो है सेंटर है, ML जो है वो परपेंडिकुलर है LN पे, ओके, एरिया दिया हुआ है इस ट्रायंगल का, आपको तो पहली बात एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए इस ट्रायंगल की, आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है क्योंकि बीच में 90 डिग्री है, तो 1/2 × बेस × हाइट जो होता है वो फॉर्मूला होता है, बेस भी यहाँ पे आ रहा है और हाइट भी यहाँ पे आ रहा है, तो आपने देखा 1/2 × r × r की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 36, तो r स्क्वायर कितना हो गया, 72। आपको पूछा है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या, पाई आर स्क्वायर, तो 72 π इज योर करेक्ट आंसर, आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, कई लोग इसको किसी चीज से सॉल्व करेंगे, कई लोग इसको किसी चीज से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन सरासर एलिगेशन का क्वेश्चन बनता है, मतलब वैसे तो हर चीज से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने एक चीज देखी क्या कि 20 मैच खेले तो एवरेज रन कितने हैं, 35 रन है, फिर आपने देखा कि पहले 12 मैचेस का एवरेज रन कितने हैं, 45। आपको एवरेज ऑफ लास्ट 8 मैचेस बताना है, एक तरीका तो यह है कि आपने देखा 20 मैचेस के टोटल रन इतने हैं, उसके बाद पहले 12 मैचेस के टोटल रन इतने हैं, तो आपके पास टोटल रन ऑफ लास्ट 8 मैचेस आ गया, टोटल रन ऑफ लास्ट 8 मैचेस को अगर आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ मैचेस से तो आपके पास एवरेज आ जाएगा, एक तरीका तो ये है। तो आपने देखा 700 और 700 में से 540 गए, तो यहाँ पे कितना आने वाला है आपके पास, आपके पास आ जाएगा 540 ही होगा ना, 990 90 6 540 700 ये
यहाँ पे कितना हो गया 160, तो 160/8 कितना हो गया एवरेज 20। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपने देखा कि 20 मैचेस है उनका एवरेज कितना है 35, और 12 मैचेस का एवरेज आपको 45 दिया, आपको बोला कि बचे हुए 8 मैचेस का आप एवरेज बताएं। तो आपने देखा कि 20 मैचेस जो है इसी में ही ये 8 मैचेस है, तो आप कह सकते हो कि 35 इंटू 8 तो सम होगा ही होगा 8 मैचेस के रन का, मतलब सम ऑफ ऑल रन्स ऑफ 8 मैचेस 35 इंटू 8 तो होगा ही होगा, क्योंकि ये जो 20 मैच है ना इसी के अंदर ये वाले 8 मैचेस है, तो इनका एवरेज कितना है 35। तो एक मैच का रन अगर 35 है तो 8 मैचेस का रन कितना हो जाएगा टोटल 35 इंटू 8। फिर आपने देखा कि ये जो है इससे 10 ज्यादा है, ठीक है, मतलब ये जो 12 मैचेस का 45 एवरेज है ये जो है ज्यादा था और 8 मैचेस का एवरेज कम था, कितना कम था -10 इंटू 12, तभी जाके ये 10 इंटू 12 मतलब ये 12 मैचेस का जो एवरेज हर एक का 10-10 जो मिला इनको, मतलब ये 45 से 35 रह गया। आपने देखा 12 मैचेस का जो एवरेज है वो कितना हुआ, वो 45 से, पहले 45 था 12 मैचेस का एवरेज, फिर क्या हुआ जब वो 8 मैचेस में मिल गया और 20 मैचेस हो गए तो इनका एवरेज जो है 10 घट गया, मतलब इनका एवरेज 10 कम था तभी जाके वो 8 मैचेस को 10 एवरेज हर मैच का देना पड़ा 12 मैचेस को, तभी जाके जो है वो एवरेज 35 बन पाया। तो आपने देखा कि इनका एवरेज जो था किनका 8 मैचेस का वो 10 इंटू 12 मतलब 120 रन कम था, तो आपने देखा कि 35 इंटू 8 कितना हो जाएगा, आपने देखा 70 इंटू 4 280 हो गया और यहाँ पे 120, तो अब आपके पास 8 मैचेस के टोटल रन कितने आ गए 160, अगर एवरेज निकालना तो बटे 8 कर दोगे 20 रन आ जाएगा। और एक और तरीका आपको मैं बताता हूँ एलिगेशन से हम लोग कैसे करेंगे। आपने देखा टोटल कितने 20 मैचेस, 20 मैचेस का एवरेज कितना 35 आपने बीच में लिख दिया, पहले 12 मैचेस का एवरेज कितना आपने देखा 45, लास्ट के 8 मैचेस का आपको पता नहीं, जब 12 मैच अलग हैं, जो 12 मैच अलग हैं 8 मैच अलग हैं उनको मैंने अलग अलग लिख लिया। अब 35 एवरेज है जो वो 20 मैचेस का है जिसमें ये 12 मैच भी आ गए और 8 मैच भी आ गए, तो मैंने 35 को बीच में लिख लिया। अब आपने देखा कि मैच कितने हैं 12 और 8, आपने देखा रेशो कितना गया 3:2, तो आपने देखा 45 में से 35 गए कितना 10, तो 2 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू जो है 45 जो है 35 से बड़ा है, यहाँ पे वैल्यू 35 से छोटी आएगी, तो आपने देखा 35 में से 15 गए तो 20 आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। बहुत सारे तरीके हैं करने के। क्वेश्चन बोला है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी बी इक्वल टू प्रिंसिपल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट को किसके इक्वल होना है प्रिंसिपल के, तो ये तो गया। टाइम आपको बताना है, रेट कितना आपको दिया है, रेट दिया आपको 12.5%, ठीक है, तो आपने देखा 12.5 जो है 25 चौक होता है, तो 12.5 इंटू 8 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 100, तो 8 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है MDH रियल स्पाइसेस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आपको पता है M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2/W2 फॉर्मूला होता है, ठीक है, और जो जो हमें वेरिएबल दे रखे हो, चाहे MD दे रखा हो तो M1D1 इक्वल टू M2D2 कर देंगे, MDH दे रखा हो मतलब मैन भी दे रखे हैं, डे भी दे रखे हैं, आर भी दे रखे हैं, तो M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2 कर देंगे, नहीं तो अगर वो आपको वर्क भी बता दें तो पूरा का पूरा फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। अब आपने देखा कि यहाँ पे 30 मैन आर दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं, तो आपको M1D1H1 लगाने की ज़रूरत है। 30 मैन 8 घंटे काम कर रहे हैं, 16 दिन काम करेंगे, और M2 की वैल्यू कितनी है 32 मैन है। ये मैं M वैसे ही लिख देता हूँ, मतलब M लिखना ज़रूरी नहीं है, पर मैं इसलिए M और यहाँ पे M इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं देख लेता हूँ कि भाई मेन के हिसाब से बात हो रही है, मतलब एम लिखना ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मेन दे देता है कुछ विमेन दे देता है, तो आदत पड़ गई है एम लिखने की, क्योंकि जब हम मान लो वो क्वेश्चन होते हैं ना कि 16 मेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 डे, जो कि 32 विमेन को एक दिन में काम निपट जाएगा, जो तो उसके लिए एम और डब्ल्यू मेरे को डिनोट करना पड़ता है, तो मैं एम और एम साथ लिख के चलता हूँ, ज़रूरी नहीं है ये लिखना, ठीक है ना। 20 दिन आर पूछे तो ये गया 2 पे, ये गया 3 पे, ये गया 2 पे, ये गया 2 पे, तो आर जो है वो 6 ही लगेंगे, 6 आवर्स पर डे काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। दो कोड है इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। पी ए की लेंथ कितनी है आपको नहीं पता, क्योंकि आपको पता है ए बी पूरे की लेंथ पता है, और पी बी की, पी बी की लेंथ नो है, पूरे की लेंथ मतलब पूरी कोड की लेंथ 15 जिसमें से पी बी की नो है, तो ए पी की कितनी हो गई 6, और पी सी की लेंथ भी पता है 3, तो ये गया 18 आ जाएगा, पी डी की लेंथ 18 आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपने देखा 2.1 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाय, आपने देखा यहाँ पे 63 और 15 चौक 60 हो जाएगा और 12.5, तो आपने देखा कि ये 0.5 आ गया और यहाँ पे ये 60.5, तो डिवाइड किससे होगा 2.5 से, तो आपने देखा यहाँ पे 0.9 आ जाएगा, तो 2.1 में 0.9 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है कैसे करेंगे, आसानी क्वेश्चन है वैसे तो, ये आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता क्या है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपने देखा 11 का स्क्वायर 121 में से 30 अगर घटाएंगे तो 90 बना जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि सीमा, कोमल एंड रीटा में 3600 रुपये बांटने हैं, उनके शेयर का रेशियो है कितना, सीमा और कोमल का है 1.5:2, तो आप इसको लिख सकते हो क्या कि पॉइंटों से हटा के मैं क्या करूं, पॉइंटों से अगर मुझे हटाना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3:4, और कोमल और रीटा का है कितना, तो आपने देखा 2:25 है, तो आप पॉइंटों से हटाओ इसको तो ये हो गया 4:5, तो ये तो सीधी सीधी वैल्यू बन गई। अब क्या करना है आपको, एग्रीगेट करना है किसको, रेशो को, तो आपने देखा कोमल दोनों में कॉमन है, तो कोमल को वैल्यू इक्वल बना दो, और वैसे भी कोमल की वैल्यू इक्वल बनी चुकी है, तो 3:4:5। स्प्लिट किसको करना है, 3600 को, तो आपने देखा रेशो टोटल कितनी हो गई, 4 और 3 7 और 5 12 12 की वैल्यू 3600, जो कि टोटल पैसे बांटने हैं इन तीनों में। एक की वैल्यू कितनी हो गई 300, आपको पूछा है रीटा का शेयर, रीटा का शेयर मतलब 5 की वैल्यू कितनी, 1500 रुपये। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला पी क्यू आर जो है वो आइसोसेलस ट्रायंगल है, और एंगल पी क्यू आर जो है वो 90 डिग्री है, तो आपने देखा आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और पी क्यू की लेंथ दे दी 10, क्यू आर की लेंथ दे दी 10, तो आपको पता लग गया कि पी आर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10√2, क्योंकि हाइपन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, तो वहां से आप सॉल्व करेंगे तो 10√2 जो है आपका आ जाएगा पी आर का लेंथ, ठीक है। अब बोला गया है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्यू से पी आर पे, ठीक है, तो इसकी लेंथ बतानी है, मान लो यहाँ पे एम पे जाके टच करता है तो क्यू एम की लेंथ बतानी है, आपको पता है क्यू एम की लेंथ कैसे निकलती है, बेस इंटू परपेंडिकुलर बाय हाइपन्यूज, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब भी हम 90 डिग्री वाले एंगल वाले वर्टिसेस से अगर हम सामने वाली साइड जो कि हाइपन्यूज साइड होती है अगर उस पर परपेंडिकुलर घेरते हैं तो उसकी जो लेंथ निकलती है वो कैसे निकलती है, बेस इंटू परपेंडिकुलर बाय हाइपन्यूज, तो आपने देखा 10√2 जिसको मैं लिख सकता हूँ 5√2 सेंटीमीटर। अब कोई बोलेगा सर ये कैसे लिख सकते हो आप, कोई खेल है क्या, मैंने कहा हाँ भाई बहुत आसान खेल है, ठीक है। तो कैलकुलेशन जैसे जैसे आपकी भी अच्छी हो जाएगी आप लोग समझ जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि भाई मैं इसको क्या करूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 cos²θ डाल देता हूँ, ठीक है, तो आपने देखा 4 cos²θ माइनस 3 + 3 cos²θ प्लस 2 = 0, तो आपने देखा 4 + 3 कितना हो गया 7 cos²θ, और इधर माइनस 1 तो इधर जाके 1 हो जाएगा, तो cos²θ जो है वो 1/7 हो गया, तो cos θ की वैल्यू कितनी हो गई 1/√7, तो आपने देखा ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर होता है हाइपन्यूज का स्क्वायर 7 - 1, तो परपेंडिकुलर हो गया √6। आपको पूछा है टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस कितना है 1, तो √6 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है अ रनर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो उसका जो डिक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ स्पीड है वो कितना होगा। आपने देखा डिक्रीमेंट कितने का आया 40 से 30 हो गई स्पीड, तो डिक्रीमेंट कितने का आया 10 का, किस पे आया 40 किलोमीटर पर आवर पे, तो कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, आपने देखा 25% डिक्रीज हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला ए माइनस बी की आपको वैल्यू दे दी, आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दे दी, आपको पूछा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने के लिए मुझे पता होना चाहिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, अगर मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता चल जाएगा। आपने देखा ए माइनस बी की तो वैल्यू मुझे पता ही है, ठीक है, तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपने देखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 88। आपने देखा a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये गया 22 आ गया यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये 16 हो गया, 16 प्लस 3ab इक्वल टू 22 हो गया, तो 3ab की वैल्यू आ गई 22 माइनस 16, 6ab की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई। अब मुझे निकालना है ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, आसान हो जाएगी। आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है ए माइनस बी, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और राइट हैंड साइड में क्या बन जाना है 16, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे ए प्लस बी बनाना है तो मुझे 4ab यहाँ पे हर हालत में ऐड करना पड़ेगा, अगर मैंने 4ab लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया तो राइट हैंड साइड में भी करूंगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 16, 4 इंटू 2 तो 16 प्लस 8 कितना हो गया 24, तो ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई अंडर रूट 24, जिसको मैं बोल सकता हूँ क्या कि अंडर रूट 6 इंटू 4 इंटू 6, 24 का फैक्टर क्या होता है 4 इंटू, तो 4 को बाहर निकालूंगा मैं, 4 इंटू 6 हो जाएगा तो 4 को बाहर निकालूंगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 रूट 6 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 8 रूट 6 जो है आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू। क्वेश्चन बोला ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ आइडेंटिफाई द गर्ल हु हैज शोन द मैक्सिमम इंप्रूवमेंट। अब ये जो है लड़कियों की परसेंटेज दी हुई है, सुनीता, वीना, मीना, शिवानी, अलका, मधु, तो ये परसेंटेज दी हुई है, ये 10th क्लास में परसेंटेज थी, ये सुनीता की 12th क्लास में परसेंटेज थी। आपको बोला मैक्सिमम इंप्रूवमेंट क्लास 10 से क्लास 12th में किस लड़की ने शो की। आपने देखा इसने तो डी इंप्रूवमेंट शो करी, पहले 98% आए थे फिर 86% आए, इसने इंप्रूवमेंट शो करी 5% की, इसने 9% की शो की, इसने 3% की शो की, इसने सबसे ज़्यादा शो की है मेरे हिसाब से, इसने 10% की शो की और इसके 72 से 86 हो गए, तो इसने 14% की शो की, अलका ने सबसे ज़्यादा शो की है इम्प्रूवमेंट, मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट शो किसने की, अलका ने, 10th से 12th के बीच में। क्वेश्चन बोला था एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स, तो आपने देखा 20 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, तो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट कितना हुआ 15। अब ये पूछा ये इससे कितना ज़्यादा है, आपने देखा ये इससे 5 ज़्यादा है, तो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंडिचर जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन से कितना कम है 5 कम है, तो आपने देखा कि 15 और 20 कितना ज़्यादा है इससे 5, किस पे पूछा है ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट की वैल्यू कितनी है 15, तो 100/3% कितना होता है 33.33%। क्वेश्चन बोला द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी, तो आपने देखा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा हुआ 5% और सैलरी पे कितना खर्चा हुआ 15%, तो टोटल कितना खर्चा हो गया 20%, तो 5 और 15 आपने जोड़ा तो टोटल कितना हो गया 20, ठीक है। और फिर बोला कि ये टोटल एक्सपेंडिचर का कितना टाइम्स है, तो आपने देखा कि ये टोटल एक्सपेंडिचर का कितना टाइम है, पहली बात तो टोटल एक्सपेंडिचर देख लो 20 और 15 35 और 35 और 25 कितना 60, 60 में 20 जोड़ो, एक मिनट, 20 और 15 35 35 और 25 वेट, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी, एक सेकेंड, वेट कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, बीस पंद्रह साढ़े पंद्रह मार्च 15 20
गिव मी जस्ट फ्यू सेकेंड्स. चलाकी कर गया. ठीक है, तो यहाँ पे ना 25 वैल्यू थी अगले डीआई पे, मतलब यहाँ पे तो वैल्यू 20 ही है. कहाँ पे, एक सेकेंड, अब ये भी देखना पड़ेगा कहाँ पे वैल्यू 20 है. वेट, यहाँ पे तो वैल्यू 20 है, एक सेकेंड, यहाँ पे तो वैल्यू 20 ही है, बट यहाँ पे वैल्यू 25 दे दी उसने. ठीक है, और नेक्स्ट वाली डीआई में भी वैल्यू 25 ही दी हुई है. चलो कोई नहीं, हम उसके हिसाब से कर देंगे. आपने देखा 25 में 15 जोड़े 40, और 40 में अगर मैं ये 17 25 हो जाएगा, तो ये जोड़ू अगर, वेट और भी कुछ हुआ है चेंज, चलो सारा लिख देता हूँ. 25 और यहाँ पे आएगा आपका 17.5, और यहाँ पे आपको 20 दिया है, यहाँ पे आपको 10 दिया है, यहाँ पे 5 ही है, यहाँ पे 15 ही है, और यहाँ पे 22.5 दिया हुआ है. ठीक है, और लास्ट वाली भी मैं देख लेता हूँ, एक मिनट. तो लास्ट वाली में भी यही है, मैं मेंशन कर देता हूँ, 25, 17.5, 20, 10, 5, 15, और ये 22.5 है. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो आपने देखा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट 5 और सैलरी कितनी है 15, तो आपने देखा टोटल कितना हो गया, एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सैलरी में 20 हो गया, और टोटल एक्सपेंडिचर वैसे हुआ कितना आपने देखा, 25 में 20 जोड़े, 45 में 10 जोड़े, 55 में 10 जोड़े 60, 75, और 75 के बाद अगर मैं देखूँ ये कितना है, 75 के बाद ये है ऑलमोस्ट 40, तो 75 में 40 जोड़े तो 115 करोड़ का खर्चा है. ठीक है, तो आपने देखा 115 करोड़ नहीं है, परसेंटेज है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो आपने देखा 20 जो है वो कितना टाइम है 115 का, तो इसको सॉल्व कर लो. तो आपने देखा कि ये हो गया 200/20 115, यार उल्टा लिख दिया, ठीक है, टोटल कितना है 115, फाइव पॉइंट सेवन फाइव टाइम्स है, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर. तो टोटल एक्सपेंडिचर पे, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सैलरी जो है वो 5.75 टाइम्स है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट. तो आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट का टोटल मिला के कितना हो गया, आपने देखा 42.5 रेशो. टैक्सेस और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो टैक्सेस इतना, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये कितना हो गया 32.5. तो ये अगर हटे तो आप देखोगे कि ये 25 पे जा रहा है, तो 25 पे कितने पे जाएगा, 25 पे जाएगा, ये तो जाएगा 13 पे और ये जाएगा 17 पे, तो 17:13 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो शिफ्ट 2 यहीं पे समाप्त होती है 12 अक्टूबर की, और शिफ्ट 3 के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं. क्वेश्चन में बोला पर्सन डिपॉजिट इतना पैसा इन बैंक सिंपल इंटरेस्ट पे 8%, अमाउंट जो है 8 साल के बाद कितनी होगी. पहली बात तो आप देख लो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8 साल का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100. तो आपने देखा 8 का क्यूब लिखा है, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और एक जीरो और आ जाएगी. अब ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल था इतना, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, आपने देखा अमाउंट हो जाएगी 13,120 आफ्टर 8 ईयर्स. क्वेश्चन बोला है व्हेन एन इंटीजर एन इज डिवाइडेड बाय 5. आपने देखा एक इंटीजर है एन, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना होता है 3. अभी बोला जो
इंटीजर था एन, इसको आठ गुना कर दो। आपने देखा अगर ये आठ गुना होगा तो रिमाइंडर भी आठ गुना हो जाएगा, तो आठ या चौबीस। अब चौबीस को अगर आप पाँच से डिवाइड करते हो, क्योंकि आपने देखा तीन को पाँच से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तीन ही आना है, अब चौबीस को आप पाँच से डिवाइड करते हो तो कुछ कोशेंट भी आएगा, तो रिमाइंडर फाइनली बचेगा कितना, आपने देखा बीस एग्जैक्टली चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा चार। क्वेश्चन बोला है सम ऑफ टू नंबर 11, इनका स्क्वायर दे दिया 65, इनका क्यूब बताओ। देखो पहली चीज तो ये, अगर आप देखते हैं कि ये सात और चार का जोड़ लिखा है कितना 11, पहली बात तो आप देखोगे कि ये लिखा है 10+1, ठीक है बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 101 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 9+1 तब भी 65 से ज्यादा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 9+2 अगर मैं लिखूं, फिर मैं लिखूंगा 8+3, तब आप देखोगे 8 का स्क्वायर तो 64 आएगा और 3 का स्क्वायर 9, तो 64 में 9 जोड़ोगे 73 आ जाएगा। अगर मैं 7 और 4 देखता हूँ ए और बी की वैल्यू, तो आपने देखा ए का स्क्वायर कितना 49, बी का स्क्वायर कितना 16, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो कितना आएगा 65 आ जाएगा, जो कि करेक्ट है वैल्यू। तो 7 और 4 वैल्यू है 343 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, तो आपने देखा कि ये 407 आ रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका तो फिर आपको पता ही है कैसे निकालोगे। आपने देखा a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर आपको निकालना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, a प्लस बी पता होना चाहिए और ए बी की वैल्यू पता होना चाहिए। ए बी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। तो आपने देखा कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 11 का स्क्वायर 21। तो आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो 65 ही है, तो 121 में से अगर 65 चले गए तो आ कितना जाएगा आपके पास 56, तो 2ab की वैल्यू 56 आ गई, ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी। अब यहाँ पे पुट कर दो, ए प्लस बी कितना 11, 11 का स्क्वायर 21 और 28 दिया कितना होता है 84, तो आपने देखा कि यहाँ से आ जाएगा 7 और 37, 37 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखोगे कि 407 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। खुद से कर लेना, 80 की वैल्यू दी हुई है, मतलब सेलिंग प्राइस 80 की वैल्यू आपको यह दी हुई है, आपको 130 की वैल्यू पूछी है, प्रॉफिट है 30%। आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब साइन एक्स क्या है आपको पता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है, तो आपको पता है 37 अगर हाइपोटेन्यूज 12 अगर परपेंडिकुलर तो बेस कितना हो गया 35, 10x पूछा, 10x होता क्या परपेंडिकुलर बाय बेस 12 बाय 35 होता, करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखो करने को तो बहुत आसान है, आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो यहाँ पे। आपने देखा एक्स वाई, एक्स इंटू वाई कितना है 4, तो 4 की दो बातें हो सकती हैं, या तो 4 × 1 हो जाए, या 2 × 2 हो जाए, या 1 × 4 हो जाए। आपने देखा कि यार 2 × 2 करूं तब भी ये सेटिस्फाई हो रहा है कैसे, मैंने देखा 2x की वैल्यू 2y की वैल्यू अगर मैं रख दूं तब भी 6 आ रहा है, और अगर मैं इसको वैल्यू को रखता हूँ, आपने देखा x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 4 8+1 9, जो कि वैल्यू गलत है, और अगर मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 रखूँ तब भी 6 आ रहा है। अब पता करना है कि कौन सी वैल्यू हमारी ऑप्शन निकाल देगी। आपने रखा 2 2, आपने 2 2 रखा तो आपने देखा 8 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे फिर 2 का क्यूब, तो आपने देखा कि ये लिखा है 8 × 64 + 8 = 72, तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑप्शन है 72, मतलब ये आंसर हो गया। अगर आप 1 और 4 वैल्यू रखते तो आप यहाँ पे देखते कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू अगर मैं 4 रखूँ तो 4 का क्यूब, वेट अ सेकेंड, इसका एक सेकेंड रुकना, तो 2 2 2 और 9 का क्यूब 8 × 2 का क्यूब 64 + 8 = 72, ये तो दोनों साइड से ही 72 आ रहा है, वेट x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4 रखने पे तो ये आएगा ही 64 + 8 = 72, और 2 2 रखूँगा मैं तो 2 का क्यूब 8 × 64, तो दोनों साइड से ये 72 ही आएगा, ठीक है, तो 72 इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर कोई चाहे कि सर पूरा प्रॉपरली सॉल्व करके दिखा दो,
तो उसको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। दो प्लस दो, दो इंटू दो कितना, चार प्लस दो छः। चलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आपने देखा 2x प्लस y के वैल्यू अगर 4, 6 हैं और x y की वैल्यू कितनी है, 4। आपको बोला गया है 8x³ + y³। आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x³ + y³। तो अगर आप 2x³ + y³ देख रहे हैं, तो आपने देखा अगर आप मान लो ये a³ है और ये b³ है, ठीक है, तो आपने देखा a³ + b³ होता क्या है, a+b। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, और a प्लस बी का होल स्क्वायर -3 × a, a कितना है 2x × b। तो आपने देखा 2x + y की वैल्यू कितनी है, 6, और 2x + y की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे 6xy हो जाएगा। तो 6 36 में से 24 गए 12, 12 6 कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ सकता था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स हुज रेडी आर 15 cm and 8 cm। आपने देखा कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, मतलब जिस सर्कल की रेडियस हमें बतानी है उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और ये दोनों रेडियस वाले सर्कल को जोड़ के इसका एरिया आएगा, मतलब इन दोनों के एरिया को जोड़ा तब जाके इसका एरिया आएगा। तो आपने देखा पाई से पाई गया, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, तो आपने देखा कि 225 में 64 जोड़ोगे तो 289 हो जाएगा, 289 का अंडर रूट कितना होगा, 17 cm। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है रेडी जिनकी 13 cm और 5 cm है, क्वेश्चन पूछा लेंथ ऑफ कॉर्ड बताएं जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, मतलब कॉर्ड जो है वो बिगर सर्कल की है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। तो आपने देखा अगर ये टच कर रही है तो मतलब ये स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है, तो आपको पता है टेंजेंट और रेडियस आपस में कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। स्मॉलर सर्कल की रेडियस 5 है, लार्जर सर्कल की रेडियस कितनी है, 13। तो आपने देखा हाइपोटेन्यूज 13, ये 5, तो बेस कितना आ गया 12। अगर ये 12 तो ये भी 12, क्योंकि कॉर्ड पे अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर घेरते हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है, तो आपने देखा कॉर्ड पे अगर आप परपेंडिकुलर घेरते हो सेंटर से तो कॉर्ड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, तो अगर वो 12 तो ये भी 12 हो जाएगी। तो टोटल कॉर्ड की लेंथ कितनी हो गई, 24 cm। क्वेश्चन में बोला लेंथ ऑफ टू साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जो दो साइड राइट एंगल बना रही हैं, तो आपने देखा दो ये वाली साइड है जो राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हैं, इनकी लेंथ आपको दे दी। तो आपने देखा ये 21, ये 20, तो आपको पता है 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट होता है, मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ चुका है, 29 cm। आपको बोला है रेडियस बताएं उस सर्कल की जो सर्कमस्क्राइब करेगा राइट एंगल ट्रायंगल को। तो आपने देखा ये जो ट्रायंगल है, ये पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल को जो सर्कमस्क्राइब करेगा उसको क्या बोलोगे आप लोग, सर्कम सर्कल। अब आपको एक चीज पता है क्या, कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में अगर हम सर्कम सेंटर देखें, सर्कम सेंटर होता क्या राइट एंगल ट्रायंगल के बेस में, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के केस में अगर मैं बात करूं कि सर्कम सेंटर कौन सा पॉइंट होता है, तो आपको पता है सर्कम सेंटर जो है वो हाइपोटेन्यूज पे लाई करता है, और हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है जो सर्कम सेंटर होता है, ठीक है। और अगर मैं सर्कम सेंटर को ज्वाइन कर दूंगा तीनों वर्टिसेस से, मतलब अगर मैं चाहे इस वर्टिसेस से ज्वाइन कर दूं, चाहे मैं इस वर्टिसेस से ज्वाइन कर दूं जो कि हो ही रखा है, और इस वर्टिसेस से ज्वाइन कर दूं, मान लो अगर मैं नाम ही दे दूं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, मैंने क्या किया सर्कम सेंटर को ज्वाइन कर दिया ए बी सी से, जो कि वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के, तो आपके पास ये भी सर्कम रेडियस होगी, ये भी सर्कम रेडियस होगी, और ये भी सर्कम रेडियस होगी। अब आपको पूछा है कि रेडियस ही बतानी है, रेडियस मतलब सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल की रेडियस, मतलब सर्कम रेडियस आपसे पूछी है, सर्कम रेडियस की वैल्यू हो कितनी जाएगी, आपको पता है जब सर्कम सेंटर लाई कर रहा है हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे, तो सर्कम रेडियस कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का आधा, तो 29 का आधा कितना हो जाएगा, 14.5 cm। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस जो है 8 cm है। तो आपने देखा यहाँ से सेंटर तक की वैल्यू कितनी होगी, मतलब अगर मैं बात करूँ कि जहाँ टेंजेंट टच की
वहाँ से सेंटर की जो लेंथ होगी वो रेडियस होगी, तो यहाँ भी रेडियस ही होगी। तो लेंथ जो होगी दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में वो कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब डायमीटर के इक्वल। तो रेडियस अगर 8 है तो डायमीटर कितना है, 16 सेंटीमीटर। मार्क प्राइस दे दिया, डिस्काउंट 8% हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा आपको पता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, तो 100 माइनस 8 कितना हो गया, 92%। या फिर ऐसा बोल सकते हैं सीधी भाषा में कि यार 8% का अगर उसने डिस्काउंट दे दिया मार्क प्राइस पे, मतलब वो मार्क प्राइस की 92% वैल्यू पे बेच रहा है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा बिल्कुल ठीक है, अपने आप ही कर लेना सॉल्व। इसका आंसर होने वाला है 2990 रुपये। अब ये तीन साइड्स दी हैं ट्राइंगल की, एरिया पूछा है, तो एरिया निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला। भी आप देख रहे हो कि तीनों साइड है तो ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा, मतलब एरिया जो है वो आपका किससे निकलेगा, हीरोन्स फॉर्मूला से। पहले आप सेमी पैरामीटर निकालो, सेमी पैरामीटर कितना होगा, आपने देखा 12 में 13 जोड़ा, 25 में 11 जोड़ा, 36 बाय 2, तो आपने देखा पैरामीटर अगर 36 है तो सेमी पैरामीटर कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लो, एरिया क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए, 11 में से 18 में से 11 गए 7, 18 में से 12 गए 6, 18 में से 13 गए 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपने देखा अंदर तो क्या रह गया, यहाँ से 9 दुनी और यहाँ पे 2 तिया, ठीक है। तो आपने देखा 9 को बाहर निकालूं तो 3 बाहर निकलेगा, और 2 × 2 = 4, तो 2 बाहर आ जाएगा, रह क्या गया अंदर, 3 × 7 = 5, 7 × 5 = 15, तिया 105। तो आपने देखा 6√105 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला सम ऑफ थ्री नंबर, ठीक है, पहले और दूसरे नंबर का रेशो दिया, दूसरे और तीसरे नंबर का रेशो दिया। तो आपने देखा पहले और दूसरे नंबर का जो रेशो है वो कितना है, 4:7। फिर दूसरे और तीसरे नंबर का जो रेशो है वो कितना है, 4:5। तो आपने देखा कि अगर पहले दूसरे और तीसरे नंबर का एग्रीगेट रेशो बनाना है तो दोनों में कॉमन क्या है, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इक्वल बना दो। तो आपने देखा कि सेकंड नंबर इक्वल बनाने के लिए ऊपर 4 से नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने देखा 16:28:35 और सम ऑफ थ्री नंबर, तो आपने देखा रेशो का सम कितना होगा, आपने देखा कि 44 में अगर मैं 35 जोड़ूं तो 79 आ जाएगा। तो रेशो अगर जोड़ी 79 और इन तीनों में डिवाइड क्या करना है आपको, 79, मतलब इन तीनों का सम ऑफ नंबर जो है वो भी 79 है, रेशो भी 79, तो एक की वैल्यू एक आ गई। आपको बोला सेकंड नंबर बताओ, 28 की वैल्यू 28 आ जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन बोला शाम कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 दिन बाय वर्किंग इतना, तो आपकी क्या दिया है, D1H1 = D2H2 आपको दिया है। तो आपने देखा जब 12 दिन में काम कर लेगा तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करेगा, और 8 दिन में अगर काम करना है तो भाई ये बताओ कि कितने घंटे प्रतिदिन उसको काम करना पड़ेगा। तो आपने देखा ये गया 5 पे, ये गया 4 पे, ये गया 3 पे, तो उसको 15 घंटे प्रतिदिन उसको काम करना पड़ेगा, तभी जाके वो 8 दिन में काम खत्म कर पाएगा। क्वेश्चन में दिया 3 साल पहले एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड जो था वो कितना था, 26 साल। तो आपको प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड पूछा है। पहली बात तो आपको पता है कि 3 साल पहले अगर हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का जो एवरेज एज था वो 26 था, तो 3 साल बाद यानी कि अब प्रेजेंटली एवरेज एज तीनों का कितना हो जाएगा, 29 3 साल बाद, ठीक है। तो हम सीधा सीधा 3 ऐड कर देंगे, बजाय कि इसके आप लोग देखो क्या आपने देखा कि यार 26 तो इनका एवरेज था 3 साल पहले, 26 इनका एवरेज था 3 साल पहले, तो इनका टोटल कितना था 3 साल पहले, 26 × 3। फिर आप देखो कि 3 साल बाद अब हस्बैंड की एज में भी 3 बढ़ा, वाइफ की एज में भी और चाइल्ड की एज में भी, तो अब एवरेज आपको निकालना पड़ गया। एवरेज अब आपको निकालना पड़ गया तो आपने देखा 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 26 तो ऐसे का ऐसे आ गया, और फिर आपने देखा 3 × 6 = 9, मतलब 3 × 3 = 6 × 3 = 9, 9/3 आप करोगे तो आपने देखा 3। तो जितने साल पहले की बातों और अगर बोले कि प्रेजेंट एज बताओ,
तो आप सिर्फ सिर्फ उतने साल ऐड कर दो, तो आपके पास चाहे एक बंदा हो, चाहे दो बंदे हो, चाहे तीन बंदे हो, चाहे चार बंदे हो, चाहे पांच बंदे हो, चाहे लाख बंदे हो, उनका एवरेज जो है सिर्फ सिर्फ प्रेजेंट एवरेज अगर आपको पता करना है, तो आप जितने साल पहले की बात हो रही है ना, और अगर आपको प्रेजेंट की बतानी है तो उतने साल सिर्फ ऐड कर दो आप। जैसे आपने देखा, फिर बोला है वाइफ और चाइल्ड का पांच साल पहले जो था ना एवरेज एज कितना था, 20 साल, तो अब जो है पांच साल बाद मतलब प्रेजेंट में जो उनका एवरेज होगा वो कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ आप 5 साल ऐड कर दो तो 25 साल जो है अब उनका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की एवरेज एज है 29, तो टोटल एज कितनी होगी 87, और वाइफ और चाइल्ड की प्रेजेंट एज का एवरेज है 25, तो आपने देखा टोटल कितनी हो जाएगी 50। तो अगर आप पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करेंगे तो आप देखेंगे हस्बैंड की एज ही बचती है, वाइफ और चाइल्ड तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है 87 में से 50 गए तो 37 ईयर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने ईयर जोड़ने हैं ताकि एवरेज एज आपकी प्रेजेंट की आ जाए। अगर आपको बोला है 3 साल पहले एवरेज एज, तीन बंदों की बोले या पांच की बोले, देखो दो बंदों से बोलना शुरू होगा क्योंकि एवरेज दो बंदों का आता है, दो बंदों की हो, तीन की हो, चार की हो, पांच की हो, छह की हो, लाख की हो, करोड़ की हो, अरबों की हो, खरबों की हो, कितनों की भी हो, आपको सिर्फ क्या करना है, उतने साल ही ऐड करने हैं प्रेजेंट एज निकालने के लिए जितने साल पहले की बात हो रही है। ठीक है ना, और अगर बात हो कि 3 साल बाद इनकी एवरेज 26 हो जाएगी, अभी प्रेजेंट की एवरेज एज बताओ, तो आप क्या करो 3 साल माइनस कर दो। ठीक है ना, तो 26 माइनस 30 23 हो जाता, 26 माइनस 3 23 हो जाता। क्वेश्चन बोला स्पीड ऑफ ट्रेन बताएं, आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पर ट्रेन के केस में लेंथ काउंट होती है, किस किस की, जो चीज क्रॉस कर रही है और जिसको क्रॉस कर रही है। तो आपने देखा ट्रेन जो है वो क्रॉस कर रही है, पर क्रॉस कर किसको रही है, ब्रिज को, अब ब्रिज की कुछ लेंथ होती है वो भी काउंट होगी, ट्रेन की जो लेंथ होती है वो भी काउंट होगी, टाइम कितना लग रहा है। तो आपने देखा लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 350, लेंथ ऑफ ब्रिज कितना है 250, टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड। अब ये तो आ गया मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आर में चेंज करना है तो 18/5 आपको करना ही पड़ेगा। तो आपने देखा 600 और फिर ये गया 30 पे और फिर ये गया 6 पे, तो 18/6 कितना होता है आपको पता है 108 किलोमीटर पर आर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपने देखा कि यार अगर मैं x² + 1/x² में से 2 माइनस कर दूं, तो आपने देखा 38 में से भी 2 माइनस करना पड़ेगा। अब ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, x - 1 का होल स्क्वायर 36, तो x - 1/x की वैल्यू कितनी हो गई +-6। ठीक है, और फिर आपने बोला क्या कि सर मॉड लगाना है, अगर मॉड लगाना है तो मॉड के बाहर तो हमेशा पॉजिटिव टर्म ही आती है, चाहे नेगेटिव 6 हो तब भी +6 हो जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब आपने देखा टेन थीटा की वैल्यू दे दी, आपने देखा टेन थीटा क्या होता है sin θ / cos θ। ठीक है, 20 21, सिर्फ इसी क्वेश्चन में ये तरीका बहुत बढ़िया लग जाएगा। देखो आपने देखा साइन थीटा की वैल्यू आप 20 मान लो, कॉस थीटा की वैल्यू 21, तो 20 - 21 20 + 21 ये कितना हो गया -1/41 इज द करेक्ट आंसर। क्यों हुआ ऐसा, आप एक चीज यहाँ पे देखते होंगे क्या कि आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H, फिर साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H। अब आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे क्या कि P - B/H और P + P/H, तो H से H कैंसिल हो ही जाना था, तो हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालने की जरूरत थी नहीं, हम सिर्फ क्या कर सकते थे, आपने देखा टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, आप सीधा इसको साइन थीटा की वैल्यू मान लो, सीधा इसको कॉस थीटा की वैल्यू मान लो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कट ही जाना था। अगर क्वेश्चन वो आपको ऐसे पूछ लेता कि इसका आंसर दो, अब ये वाला मेथड नहीं लगता, अब आपको हाइपोटेन्यूज लगाना ही पड़ता क्योंकि इसको सॉल्व करके आपका ये आना है फाइनली, तो यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज पुट करना ही पड़ेगा। आप क्या करोगे 1 + 20 - 21 नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज पुट करना ही पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ पा रहे होंगे, तभी यहाँ पे sin θ - cos θ / sin θ + cos θ को डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू 20 और कॉस थीटा की वैल्यू 21 लेके मान लिया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कट ही जाना था। अब इसमें कटेगा नहीं, इसमें 1 की जगह हाइपोटेन्यूज आएगा, तो उसमें आपका आंसर गलत ना हो जाए,
यार आप सीधा सीधा ही कर लेना भाई, अगर किसी को मेरी बात अभी भी समझ ना आई हो ना, तो वो क्या करे 20x21, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा आपको पता है, 20x21 29 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे आप लोग 20x29 माइनस 21x29, 20x29 प्लस 21x29 करना, ठीक है आंसर मेरे वाला ही आएगा, और जो समझ पाए मेरी बात वो तो फिर ग्रेट है ही है बंदे, ठीक है ना, और जो नहीं समझ पाए वो भी समझ पाएंगे, थोड़ा टाइम का वेट करो, थोड़ी और प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगी चीज़ समझ। मैंने भी इतनी प्रैक्टिस कर करके ही अपना जो कैलकुलेशन था उसको रिड्यूस किया, ठीक है ना, तो आप भी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा इन दोनों को जोड़ा तो 8.9 आया, 7.5 में से 8.9 जब जाएगा तो माइनस ऑफ माइनस 1.6 आ जाएगा, 1.8 सॉरी, ठीक है, तो 1.8 अगर इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5, तो 2.3 में से जब 5 जाएगा तो माइनस 2.7 हो जाएगा, है ना, और 0.9 माइनस ऑफ माइनस 2.7 तो यहाँ पे प्लस 2.7 हो जाएगा, देखते हैं कुछ गड़बड़ हो गई शायद अगेन We should do it. तो आपने देखा 5.4 और 3.5 को अगर मैं जोड़ू तो यहाँ पे क्या हो रहा है 8.9 और 7.1 में से 8.9 जाएगा, 9 जब जाएगा तो माइनस 1.8, अब माइनस ऑफ माइनस 1.8 तो आपने देखा 2.3 है, माइनस 3.2 प्लस 1.8 हो जाएगा, आपने देखा 2.3 है, तो ये तो अच्छा ओके, तो यहाँ पे आपने देखा इन दोनों को जोड़ो तो 4.1 आ गया, 3.2 अगर घटाऊँ तो 0.9 आ जाएगा, तो 0.9 में से 0.9 जा रहा है तो ये तो ज़ीरो बन गया, ज़ीरो इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा 22% ऑफ एक्स 30% ऑफ वाई के इक्वल है, तो वाई बाई एक्स आपसे पूछा है, 11/15 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने 100 से 100 काटा है, ठीक है, और 22 और 30 को 11/15 पे काटा है, ठीक है ना, तो 11/15 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला था टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी इज हाइएस्ट इन द केस ऑफ, ठीक है, तो आपने देखा कि टैक्स जो है वो इसमें हाइएस्ट है, आपने देखा यहाँ पे टैक्स की वैल्यू कितनी है 450, टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी पे बात करना है ना, सैलरी ही है टैक्स ही है, तो आपने देखा 450 जो है टैक्स है, सैलरी कितनी है 12,000, तो आपने यहाँ पे देखा 100%, तो इसका जब परसेंटेज निकाला तो आपने ऑलमोस्ट 3.75% आ जाएगा, फिर आपने देखा 950, इसको सॉल्व करके 5.2% आएगा, फिर आपने देखा 550 टैक्स है कंपनी सी का, नहीं पर्सन सी है, पर्सन सी का, और 15,000 सैलरी है, तो इसको सॉल्व करके आपका 3.66% आ जाएगा, और 600/16,000 into 100%, तो ये भी ऑलमोस्ट 16×3=48, तो 3.75% हो जाएगा, इसमें हाईएस्ट है, ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। या फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि इसका जो ये है ना वो 5% से ज़्यादा है, और किसी केस में 5% से ज़्यादा है ही नहीं, मतलब यहाँ पे 600 से ऊपर वैल्यू नहीं होती, अगर इससे 5% ज़्यादा होता यहाँ पे 750 से ऊपर वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे 800 से ऊपर वैल्यू नहीं होती, तो यही एक वैल्यू ऐसी है जिसमें हाईएस्ट है, तो सीधा वैल्यू देख के भी पता कर सकते थे। क्वेश्चन बोला एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी इज लीस्ट फॉर, आपने देखा एक्सपेंडिचर जो है वो ये है लीस्ट, तो आपने देखा ये तो ऑलमोस्ट इसका 50% है, 12,000 का 6,000 कितना हो जाएगा 50% ऑलमोस्ट, ये कितना हो जाएगा 7500/18,000 into 100%, तो आपने देखा इसका जो ऑलमोस्ट वैल्यू आने वाला है वो आएगा 41.67%, ठीक है, तो यहाँ पे 5500
पर्सन सी की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा कुछ 37%, और 6,000 जो है वो कितना आ जाएगा, 16,000 का। तो आपने देखा ये भी ऑलमोस्ट कुछ 37.5% है, तो सबसे कम ये है 37%। मतलब सी जो पर्सन है उसका एक्सपेंडिचर जो है वो सबसे कम है, लीस्ट है। क्वेश्चन बोला है सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी इज हाईएस्ट, सेविंग जो है वो ये है, हाईएस्ट किस केस में है। अब आपने देखा हाईएस्ट जो है, अब आप एक बात देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो है ये 5550 जो है 50% से कम है 12,000 का, और ये 9550 जो है ये 50% से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू तो वैसी कट गई, हाईएस्ट नहीं हो सकती, और ये भी 50% से ज़्यादा है, ये भी 50% से। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा 95500 कैलकुलेटिव है, पर ठीक है कोई बात नहीं। ये आ गया कुछ 53.05%, 8900 15,000, ये कुछ 59.34%, ठीक है। और अगले वाला जो है 9400 है, टोटल सैलरी है 16,000। तो आपने देखा कि ये ऑलमोस्ट कितना है, 58.75%, ठीक है। तो ये सेविंग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसकी है, सी की। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला टैक्स एज द परसेंटेज ऑफ सैलरी इज लीस्ट इन द केस ऑफ, तो लीस्ट बताना है तो मैं यहीं से ही बता दूंगा, सबसे लीस्ट टैक्स किसका है। तो आपने देखा 3.66 वाले का, तो सी का सबसे लीस्ट टैक्स है, पहले मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो सी जो है सबसे कम टैक्स दे रहा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 3.66 टैक्स दे रहा है, 3.66%, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नो जो भी तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज़ और जो भी क्वेश्चन आपको HW में दिए हैं, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें, थैंक यू।